कैसी हो डियर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं राजवीर? अगर आप फोन नहीं उठाओगे, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करोगे, मुझे आपकी फिक्र नहीं होगी। हाँ डियर, देखिए आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी फिक्र करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। आप प्लीज यहां से चले जाइए, वैसे भी हमारे घर में फंक्शन है। आप प्लीज चले जाइए। आप, अरे राजवीर आप क्या कर रहे हैं? दादी, क्या हुआ? क्या हुआ दादी? क्या हुआ? नस नस खींच गई है। लाइए मुझे दिखाइए। ऐसे नहीं होगा। बाम बाम लेकर आ। ठीक है, मैं आपके कमरे में से बाम लेके आता हूँ, इसे नीचे रखिए आप। नहीं, मेरे कमरे में बाम नहीं है, स्टोर में है। स्टोर में? दादी बाम ऊपर स्टोर में क्या कर रहे हैं? बाम से मिलेगा ना तो तू उसी से पूछ ले। जा। मुंह क्या देख रहा है? जा ना, जा। जी अभी लेके आया। हाय हाय। ये क्या हरकत है राजवीर? इसमें डरने की बात नहीं है डियर, बाहर फैमिली फंक्शन है, बहुत सारे गेस्ट आए होंगे और उनके सामने तो अपने बात नहीं कर सकते ना, इसीलिए मैं ये रूम में लेके आया। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझे? बहुत काम है मुझे। तो मैं मदद करता हूँ ना, वो कहते हैं ना अपने ही अपनों के काम आते हैं। याद है उस दिन जब आप सड़क पे थे, तब मैंने ही तो आपको लिफ्ट दी थी। हाँ तुमने लिफ्ट दी थी तो क्या करूँ मैं? मगर आपने कहा था हम दोनों दोस्त हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि हम दोस्त हैं, हम सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, दैट्स इट। दोस्त बनने में बहुत वक्त लगता है राजवीर। ये सब तो पुराने जमाने की बात है, आजकल तो दोस्त यूं ही बन जाते हैं। देखो तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो, हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो?
वो मुझे पता नहीं था आप यहाँ आए, वरना मैं दादी के लिए बाम लेने आया था, ये मेरे पास है, ये मैं चलता हूँ। खुल जाना। दरवाजा खुलने के लिए बंद नहीं किया है, नुजत ने इस दरवाजे को बाहर से बंद किया है। क्या बाहर से बंद? क्यों? मतलब मैं समझा नहीं, क्यों? क्योंकि उसे मैंने बोला था। आपने? मैं समझा नहीं हूं, मेरा वो क्या बात है डियर, इतना कोल्डली क्यों बिहेव कर रही हो? ना ना, इतनी भी क्या जल्दी? जब तुम्हें मदद चाहिए थी तब तुमने तो लिफ्ट मांग ली, पर अब जब मेरे रिटर्न गिफ्ट की बारी आई तो तुम इतरा रही हो। भाई आज तो हम रिटर्न गिफ्ट लेके ही जाएंगे। तुमसे मैंने उस दिन मजबूरी में लिफ्ट क्या मांग ली? तुम तो मेरे गले पड़ गए हो, पीछे पड़ गए हो मेरे। हाँ, क्या लगता है तुम्हें किस टाइप की लड़की हूं मैं? आए हाय, कुछ भी कहो, नखरे सूट करते हैं तुम्हें। देखो रानी, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जींस पहन के अकेली सड़क पे घूमती हो, लड़कों के साथ हंस हंस के बातें करती हो, और इसका मतलब क्या होता है वो मैं भी जानता हूं और तुम भी। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए, और मुझे भी। और ये जो तुम ना ना कर रही हो ना, वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारी हर ना में हाँ है। तो फिर कम ऑन डियर, अब देर किस बात की? जान, आप सुया को ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो मम्मी ने कहा था कि हम खाना साथ में खाएंगे। ओ, वो गिफ्ट्स रखने गई है, बस आती ही होंगी। ओके, प्लीज। कम ऑन डियर, आप किस बात कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है ना राजवीर, यहां तो कोई भी आ सकता है। देखा, कोई भी लड़की मुझे ना बोल ही नहीं सकती। तुम खामखा छुई मुई बन रही थी, तो चले। हाँ, मैं भी ये कह रही थी। एक्चुअली दोनों एक साथ जाएंगे तो बहुत अजीब लगेगा ना। मैं पहले जाती हूँ, आप बाद में आइएगा। नहीं, मैं पहले जाता हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मुझे पीछे का दरवाजा खोलना पड़ेगा, आप चाबी निकालनी पड़ेगी। तो आप ऐसा कीजिए ना, आप ये हॉल से निकलते हुए बाहर मिलिए मुझे, ठीक है? कार के पास मिलते हैं। हाँ, ओके ओके। अच्छा किया तुमने शर्माना बंद कर दिया। वो क्या है कि अपनी बात जितनी सिंपल रहे उतना ही ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली।
बाहर मिलते हैं। जब होती है मिस्टेक तब लगता है बहुत बैड, होती है जब मिस्टेक तब लगता है बहुत बैड। सॉरी कह रहे हैं हम दिल से, प्लीज डोंट गेट मैड। छोड़ के जाओगे यू तो कैसे जी पाएंगे विदाउट यू ओ सनम, हम बेमौत मर जाएंगे। सब जान चुके हैं, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपने मुझसे बहुत प्यार किया है, उतना जितना शायद मैंने आपसे नहीं किया हो। मैं बहुत बेवकूफ हूं ना, इस बेवकूफ को माफ नहीं करेंगे। ये सब क्या है? जोया? क्यों? क्या बात है राजवीर? आज डियर जोया नहीं कहोगे? कहो ना। इन सबको देख के बोलती बंद हो गई तुम्हारी? हाँ? मिस्टर राजवीर सिंह खुराना, मैंने आपसे लिफ्ट ली, आपसे मदद दिली, तो आपको लगा कि मैं आपको कोई सिग्नल दे रही हूं। कोई लड़की जीन्स पहनती है, अकेले बाहर जाती है, हंस के तमीज से बात करती है, तो तुम्हें लगता है वो अवेलेबल है? तुम लोग उसे लड़की नहीं पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हो। बहुत शर्म की बात है कि तुम जैसे लोगों की वजह से आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम है।
हिंदुस्तानी का सर शर्म से झुका हुआ है सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि लड़कियां आज अपने ही देश में महफूज नहीं, ना स्कूल्स में, ना ऑफिसेज में, ना कॉलेजेस में, ना सिनेमा हॉल्स में, कहीं भी नहीं। जानते हो, तुम जैसे लोगों की वजह से घर वाले अपनी लड़कियों को अपने घर में बंद करके रखते, उन पे बंदिशें लगाते, जबकि होना उल्टा चाहिए। तुम जैसे लोगों को जंजीरों से बांध कर रखना चाहिए, समझे? और ऊपर से हाइट ये कि तुम्हें लगता है कि गलती लड़की की है, उसके लिबास की है, तुम्हारी नजर की नहीं है। और ये जो घटिया मेंटेलिटी है ना तुम लोगों की कि लड़की हंसी तो फंसी और मुझे कैसे ना कर दिया, इसे तो अपने दिमाग से निकाल ही दो तो अच्छा है। और एक बात तो तुम कान खोल के सुन लो, लड़की की ना का मतलब हां नहीं, ना ही होता है, समझे? वाह सोया, अकेले में तो तुम मुझे टीज करती हो, और यहां सबके सामने। तुम इस वक्त अपने पैरों पे इसलिए खड़े हो कि तुम इस वक्त मेरे घर में हो। तुम्हारा आखिरी मौका, जाओ यहां से। रुको, क्या कहा था तुमने? उस दिन लिफ्ट देकर तुमने मेरी मदद की है, इसलिए आज रिटर्न गिफ्ट लेकर ही जाओगे। मेरी तरफ से आपको रिटर्न गिफ्ट विद अ ह्यूज थैंक्स। ये दूसरा गिफ्ट उन लड़कियों की तरफ से जो रोज तुम जैसे क्रीप्स की वजह से परेशान होती। अब इससे पहले कि यहां जितने लोग हैं सब तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दें, दफा हो जाओ यहां से। Okay. It was really very brave, Miss Faruqi. एक बात कहूँ मिस्टर खान, यू वर राइट, वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं आपसे एक बात कहूं मैं सरों की, आप भी गलत नहीं थी। यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं, यू कैन एक्ट रिस्पॉन्सिबली, और आपके मन में जो आएगा आप करेंगे। ओके फाइन, डू व्हाट यू वांट, लेकिन आज के बाद आप कभी भी मुझे बिना बताए कहीं गई तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। अब कभी नहीं सुधरेंगे ना मिस्टर खान? डोंट थिंक सो।